आज का रात्रि क्लास है 27 जुलाई 1964 सोमवार। आज कोई एब्सेंट नहीं है सिवाय लकी सितारों के। ये तो सब मिले हैं ना, जो नए आए हैं मम्मा ने कहा ये झांसा पार्टी है। अच्छा मम्मा इनसे मिली है, आज सुबह को आए हैं कहते हैं नहीं मिले हैं। अच्छा बाप दादा ये मम्मा जगदम्बा और शिकील दे सभी भिन्न भिन्न सेंटर्स के स्टार्स, इन्होंने मम्मा बाबा को इकट्ठा यहाँ नहीं देखा है। सो तो हाथ उठाना, कोई ने कहा इकट्ठा आज देखा है, बाबा ने कहा नहीं आगे भी कभी देखा है। बोला मम्मा बाबा यहाँ रहते हैं ना, तो ये तो आते हैं ना। हाँ हाथ थोड़ा थोड़ा ऊंचा उठाओ, सब हाजिर हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी हाथ उठाओ, देखो कितने हैं। चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह बीस पच्चीस हैं। हाँ पच्चीस तीस हैं, अपना अंदाज लगाना चाहिए कि हमें अभी घर स्वीट होम जिसको कहा जाता है बाबा के घर पहुंचने में अभी कितना समय लगना है। भले यहाँ बैठे हो तो भी यात्रा अपने शांति धाम की तरफ है, तो हमेशा दिल में यही रखे और यही रखे रहो कि हम अभी क्योंकि यात्रा पर तो है ही। जैसे मनुष्य यात्राओं पर जब पैदल जाते हैं तो फिर समझते हैं अभी कोस दो कोस चार कोस है श्रीनाथ द्वारा, अमरनाथ जाएंगे तो कहेंगे अमरनाथ इतनी दूर। तो यहाँ हमेशा दिल में ख्याल करते रहो कि हम आत्माएं अभी बाबा के घर बिल्कुल नजदीक है, पहुंची कि पहुंची। अगर ये ख्याल दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से जमाते रहें कि घर अभी पहुंचे कि पहुंचे, अभी हम जा रहे हैं, भले नाटक पूरा है तो भी हम जा रहे हैं, हम इस किनारे से उस किनारे के बिल्कुल नजदीक हैं। ये अपन से बात करते रहो, अपन को जैसे कि समझाते रहो। इसको विचार सागर मंथन करना कहा जाता है। अभी हम तो बहुत दूर चले गए हैं, भले शरीर यहाँ है पर हम आत्मा बहुत दूर चली गई।
क्योंकि शरीर छोड़ने से ही भागेंगी। ठीक है ना बच्चे, वो तो सेकंड की बात हो जाएगी, परंतु नहीं, हमेशा ऐसे समझो कि अभी हम बहुत नजदीक हैं। जितना हम याद करते हैं उतना नजदीक है, और नजदीक जा करके फिर बाबा के गले का हार बनेंगे। शिव की माला बनेंगे या रुद्र माला बनेंगे, तो हमेशा यही रटते रहो कि हम यहाँ थोड़े ही हैं। जैसे देखो कृष्ण की भक्ति में बैठते हैं तो समझते हैं कि हम कृष्णपुरी में जावे, तो उनको कृष्णपुरी ही भासती है कि हम कृष्ण की पुरी में जावे। अब तुम जानते हो कि हम जा रहे हैं, वो ऐसे नहीं समझते कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं समझते हैं कि रामचंद्र से मिल रहे हैं या कृष्ण से मिल रहे या शिव से मिल रहे हैं, नहीं, वो लोग ये नहीं कह सकते हैं, वो सिर्फ याद करते हैं। और तुम तो जा रहे हो, तुमको अच्छी तरह से अपनी मंजिल का पता है, और उनको कोई मंजिल का पता थोड़े ही है। तो मंजिल पर हमेशा कोशिश करो कि अभी हम जा रहे हैं और हमारी आत्मा याद कर रही है, मन जा रही है। अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बड़ी खुशी चढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई थोड़े ही है जो वो कह सके कि हम कोई निर्वाण धाम में जा रहे हैं या मुक्ति धाम में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे कोई भी यहाँ ऐसे दुनिया में नहीं होगा सिवाय तुम बच्चों के कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम। कोई भी पूछे तो उनको बोलो देखो हम चलते फिरते उठते यात्रा पर हैं। अरे भाई कहाँ यात्रा पर हैं? हम जाते हैं सतयुगी सुखधाम वाया शांति धाम। शांति धाम कहो निर्वाण धाम कहो, कोई से नहीं पूछा जाता है अभी कहाँ चले, तो बस वो बेचारे वायरे हो जाएंगे। कब तुम्हारे से कोई मिट मैट पूछे कहाँ जाते हो तो बोले हो कहाँ जाता हूँ ये तुमको बताऊं, हम जाते हैं अपने सतयुगी सुखधाम वाया शांति धाम। अरे तुम ऐसा कैसे कहते हो, तुम तो यहाँ ही चल रहे हो। नहीं नहीं हमारी बुद्धि वहां जा रही है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, ऐसे बोलो। 27/7/64 की वाणी का दूसरा पेज बोलो, हमको वो रास्ता मिला हुआ है जाने के लिए, तो वो बेचारा समझेगा कि कहते हैं राइट, बरोबर जाना तो है सबको निर्वाण धाम। फिर निर्वाण धाम के पास पीछे तुम कहते हो कि हम जाते हैं सुख धाम, ये दुख धाम है,
तो इस दुख दाम को भूलना चाहिए। बलि रहते हैं वहाँ धंधे दोरी में, पर बुद्धि में तो शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हैं ना। बुद्धि में होना चाहिए कि हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई पेट के लिए कमाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारा बुद्धि रूपी पेट है। कमाई कर रहे हैं सुखधाम की, वो दुनिया वाले तो शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हैं, और ये आत्मा को वहां पहुंचने के लिए हम ये पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को बाबा कोई मेहनत नहीं देते हैं। देखो ये बुढ़ी बुढ़िया सिर्फ इनको कहा जाता है बाप को याद करो, जो निराकार परम धाम में रहने वाला बाप शिव बाबा है उनको याद करो। शिव को हमेशा सब बाबा ही कहते हैं, शंकर को बाबा कभी नहीं कहते हैं। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को बाबा कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, तो नाम सुनकर के कह सकेंगे प्रजापिता के हम बच्चे जरूर हैं, समझे। अभी तुम ही कहेंगे वास्तव में, क्योंकि तुम सन्मुख हो किसके है, तुम सन्मुख हो शिव बाबा के। शिव तो बिंदी है, तो बिंदी के सन्मुख कैसे कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। दूसरे सिर्फ ये कहेंगे कि बरोबर इस मनुष्य सृष्टि में सतयुग में पहले पहले मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद होते हैं, पीछे उनसे मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, तो पीछे वालों में और तुम्हारे में क्या अंतर हुआ, कोई अंतर हुआ कहेंगे। पीछे वाले सन्मुख नहीं होते हैं और तुम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के सन्मुख होते हो। बाकी यूं तो फिर सब इस समय में याद करेंगे, जब आपदाएं आएंगी बाप को याद करेंगे, आपत्तियां विपदाएं जब बहुत आती हैं तो सब गॉड फादर को याद करते हैं। सब माने कौन कौन है, सब माने है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी है, सब बाप को पहचानेंगी और याद करेंगी। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ तुम जानते हो, याद करते हो, सन्मुख बैठे हुए हो। अच्छा, मम्मा ने आज कचहरी की पूछा सबसे, क्या पूछते हो, किसी ने कहा सेल्वेशन,
कोई सेल्वेशन पूछा और फिर जब पूछते हैं कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया, वो भी पूछा, उनका आज नहीं पूछा, तुम बताओ मम्मा को किसने दुख दिया? देखो मैं प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे मत समझो बातें बता रहे हैं, तुमको कुछ नहीं पता पड़ता है। कोई बच्ची ने कहा हमको आता ही नहीं है, देखो इनको आता ही नहीं है, देखो अभी हम बड़े बड़े महारथियों से पूछता हूँ। किसी बच्चे ने कहा हम एक प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्न लिख कर के आए हो, अच्छा तुम बताओ मम्मा को किसने दुख दिया? मम्मा तो यहाँ पूछती है ना सबसे कि कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया है, अभी तुम बोलो मम्मा को किसने दुख दिया, बताओ। किसको अकल नहीं है, आता ही नहीं है, देखो देखो ये ब्रह्मा कुमारी बनी है, बड़ी ब्राह्मणी, तुम बोलो चंद्रमणि इनको भी नहीं आता है। बुद्धू अभी देखो मैं किसको पूछता हूँ, हाँ इनको अकल आया, देखा 6 महीने सच बोला, ठीक बोला, रंग है अच्छा, और कौन महारथी है यहाँ, देखें देखें, गवर्नर तुम बताओ मम्मा को किसने दुख दिया? ठहरो ठहरो कौन राइट है? बुद्धू मम्मा जानती है, मैं तो पूछता हूँ बहुतों से, और कोई महारथी देखें कहाँ है, अच्छा ठहरो, विश्व किशोर मम्मा को दुख किसने दिया? तो बच्चे ने कहा माया ने दिया, ये भी नहीं जानते। लोगों ने कुछ बोला, चुप रहो, अरे मम्मा देखो तो मैं कितने प्रश्न पूछ रहा हूँ, कितने किस्म किस्म के, तो प्रश्न में कुछ है? किसी ने कहा हाँ है जरूर, किसी ने कहा कर्म भोग, ये किसने कहा? इस बच्ची ने कहा हाँ ये बिल्कुल राइट है, देखो ये कितनी सीधी बात है, यानी कर्मों ने दुख दिया, पास्ट के कर्मों ने बाबा को भी बहुत दुख दिया है क्या? दुख कौन देता है, है? अरे दुख कोई व्यक्ति देता है, कौन देता है? अपने जो किए हुए पास्ट कर्म है, अगर बुरे कर्म है, हमने किसी को दुख दिया है तो हमको उसका रिटर्न मिल जाता है, तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, क्या क्या नहीं कहना चाहिए, इसने हमको बहुत दुख दिया या माया ने हमको दुख दिया,
नहीं, पास्ट कर्मों ने दुख दिया। फिर याद कर लेना इस बात को, ये बात भूलना नहीं। म्यूजिक बजा, आप शुरू करेंगे या बाबा शुरू करेंगे? अच्छा, माता पिता व बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 28/7/1964 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ठीक है, गीत बच्चों ने सुना कि हम पारलौकिक माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन माता पिता के सन्मुख बैठे हैं और ये पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी अपने परमपिता परमात्मा की सर्विस में हैं, क्योंकि बाप भी सर्विस में है। ये भारत को पतित से पावन बनाए रहे हैं। फिर ये तो जानते हैं बच्चे, और तो कोई नहीं जानते हैं कि बरोबर पहले ये भारत पावन था और अभी पतित बना है। अभी पतित जरूर है, अभी बच्चों को ये मालूम है कि पावन दुनिया को 5000 वर्ष हुए। ऐसे क्यों कहा है? पावन दुनिया को 2500 साल हुए या 5000 साल हुए है? कितने साल हुए है? 5000 साल हुए, 2500 साल नहीं हुए, 2500 हुए। तो बाबा ने 5000 साल क्यों बोल दिया है? हैं? सतयुग आदि की बात बताई है, क्योंकि संगम युग में सतयुग से भी पहले चढ़ती कला थी, वहां ही संपूर्ण पावन होते हैं। फिर सतयुग के पहले जन्म से तो कला घटती जाती है, इसलिए कहा कि पावन दुनिया को 5000 वर्ष पूरे हुए। इन बातों को दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। बच्चे अभी बाप की मदद से श्रीमत पर चले, अपने तन मन धन से खास भारत की सेवा कर, इस भारत को रावण की जंजीरों से छुड़ाए और राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बच्चे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और किसको भी समझा सकते हैं कि हम पतित भारत को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है पवित्रता के ऊपर। जानते हो कि लड़ाई में कोई न कोई तकलीफें जरूर होती हैं। देखो कितने मनुष्यों को तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हीं की तो है हिंसक लड़ाई,
तुम्हारी तो हिंसक लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कैसी है? अहिंसक है। लड़ाई और अहिंसक ऐसे कैसे है? अरे हमारा तो माया का युद्ध है। उन्होंने तो गीता में कौन सा युद्ध दिखाई दिया है? उन्होंने हिंसक युद्ध दिखाई दिया, तीर तलवार का, तीर कमान का। बाबा कहते तुम्हारा तो ये पांच विकारों का युद्ध है, हिंसक लड़ाई नहीं है। तुम्हारी तो अहिंसक लड़ाई है। और अहिंसक लड़ाई भी किससे है? वो हिंसक लड़ाई तो एक दो में लड़ते हैं। तुम जो अहिंसक वॉरियर्स हो या सेना हो, तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? माया रावण के साथ। हाँ, पांच विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। ये भी जानते हो कि बरोबर हम कल्प कल्प श्रीमत पर चले अपना राज स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि इस समय में सारी आसुरी मत रावण की मत चल रही है। और रावण की मत तो कहते ही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको कहा जाता है रावण की मत। रावण की मत वाले, आसुरी मत वाले, अभी बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से तुम ब्राह्मण दैवी मत वाले बन रहे हो, अर्थात देवता बन रहे हो। ये तुम्हारा वर्ण अभी ब्राह्मण वर्ण है। अभी गीता में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि बाप ने आकर के ब्रह्मा द्वारा ये यज्ञ रचा। तो ब्रह्मा से तुम कौन पैदा हुए है? ब्राह्मण पैदा हुए। गीता में तो लिख दिया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अब बाप ने क्या चार वर्णों की रचना की? बाप आकर के शूद्र वर्ण रचेंगे क्या? रचेंगे नहीं। तो देखो ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुत ही यज्ञ बनाए दिए हैं। दक्ष प्रजापति का यज्ञ, फलाना यज्ञ, ऐसे ऐसे बहुत कुछ नाम होंगे। फलानों फलानों ने यज्ञ रचे। ये यज्ञ है ही आम सारी पतित दुनिया को और खास भारत को पति से पावन बनाने के लिए। क्यों? सारी दुनिया को क्यों नहीं है? खास भारत को ही क्यों पति से पावन बनाते? खासियत भारत की क्यों देते? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। और भारत देश में भी आते हैं। और भारत जो नाम पड़ा है, भा माने ज्ञान की रोशनी, उस ज्ञान की रोशनी में ही जीवन बिताने वाला, उसी में रत रहने वाला, उसी भारत में भगवान आते हैं। तो जिसमें आवेंगे उसको तो खास खास पावन बनावेंगे,
या आम पावन बनावेंगे? बरोबर, बेहद का बाप यहाँ आते हैं और आकर के बच्चों के साथ तन मन धन से कोई भी पूछे तो बोलो हम अपने ही तन मन धन से भारत को फिर से दैवी राज्य बनाते हैं, क्योंकि ये भारत शुरू में वास्तव में राजस्थान था, है राजस्थान माना राजाओं का स्थान था, सतयुग के आदि में राजस्थान था, तो राजस्थान देवी देवता धर्म वाला इस सतयुग में कब स्थापन किया, कब बैठ करके स्थापना की होगी? तो तुम बच्चों को समझाया है कि कोई भी राजस्थान या दैवी राजस्थान स्थापन करने वाले कोई भी धर्म स्थापक नहीं होते हैं, कौन होता है फिर? हैं? एक शिव बाबा ही राजयोग सिखा करके भारत में राजस्थान की स्थापना करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम एक समझते हैं, जानते हैं कि हम अभी अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, अट्ठाईस सात 64 की वाणी का दूसरा पेज, ऐसे ही स्थापन कर रहे हैं जैसे कांग्रेस ने मिलकर के बापू गांधी जी द्वारा तन मन धन से भारत की सेवा की। तन समझते हो, जेल भी जाते थे तो तन की सेवा भी तो हुई होगी ना, और मन भी लगा हुआ था कि हम इन फिरंगी राज से भारत को लिबरेट करेंगे। ये फिरंगी यानी क्रिश्चियन राज्य से लिबरेट करते हैं, और तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करते हैं। क्या अंतर हुआ बापू गांधी के समझने में और तुम्हारे समझने में, क्या अंतर हुआ है? बापू गांधी के जमाने में समझते थे हमको इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दास दासी बनाई लिया, हमको बंधन में डाल दिया, और हम क्या समझते हैं अभी, हम अंग्रेजों के बंधन में हैं क्या? हैं? नहीं, अंग्रेजों के बंधन में नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत के बंधन में है या नहीं है? सारा भारत विदेशियों की चलन में रंगा हुआ है या नहीं रंगा हुआ है? ये भी बापूजी है और वो भी भारत का बापूजी, लेकिन वो गांधी बापू सबका बापू तो नहीं था, हैं? था नहीं था, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में ये सबका बापूजी था, हैं? अगर कहें सबका बापूजी था, क्योंकि शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सब तो तब मानते जब विनाश होने तक वो जीवित रहता, परंतु वो तो
68-69 में ही शरीर छोड़ गए, तो सारी दुनिया ने उन्होंने कहा अपना बाप माना। हाँ कहेंगे कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जिन्होंने अपना बापू माना। तो देखो भारत का कोई बापूजी सच्चा नहीं, ये तो नाम रख दिया बुजुर्ग को बापूजी। तो हद में भी बुजुर्ग को नाम रख दिया, और बेहद है ब्राह्मणों की दुनिया में भी नाम रख दिया बापूजी। ब्रह्मा को बाबा क्यों कहते थे हैं? क्योंकि बुजुर्ग थे। जैसे बच्चों को मालूम है कि बहुतों को मेयर को भी बापूजी कह देते हैं। तो देखो इस दुनिया में कितने मेयर्स होंगे, या म्युनिसिपैलिटी के भी, तो उनको भी बापूजी कहते हैं, फादर कहते हैं, और फादर्स तो उनके बहुत हैं। किनके हैं? क्रिश्चियंस के फादर्स तो बहुत हैं। जितने गिरजाघर होंगे उनके हेड्स को क्या कहते हैं? फादर्स। अभी तुम्हारा तो फादर एक है, फिर तुम कहेंगे हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। तुम अभी जो सारी सृष्टि का बापू है वो कोई हद का बापू नहीं है, बेहद का बापूजी। सो तो कहा ही जाता है शिव बाबा को, तुम अभी जानते हो बरोबर हम शिव बाबा कहते हैं। और ये बापू अक्षर तो गुजराती अक्षर है, है? कौन सा अक्षर है? गुजराती अक्षर क्यों बताया है? गुजरात में ही बापू क्यों कहते हैं है? नहीं तो अगर ये कहें कि अज्ञान अंधेरे की रात गुजर जाती है तो बापूजी है, तो क्या ये माने कि यहाँ जितने बैठे हैं वो सब गुजराती हैं? हैं? नहीं। क्यों? अरे यहाँ सब गुजराती नहीं है, अज्ञान की रात सब की नहीं गुजरी, बाप को नहीं पहचाना है? कहेंगे पहचाना तो है लेकिन आज पहचानते हैं और कल निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ये निश्चय निश्चय का चक्र सबको चलता रहता है। माया का फाइनल पेपर हो तब कोई कह सकता है कि हमको कभी भी अनिश्चय नहीं आता। तो ये गुजरात के लिए ही क्यों कहा बापूजी? गुजराती अक्षर है, है? क्योंकि गुजराती भाषा में पैदा होने वाली कोई कन्या है जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वो जब निकलती है
तो सबको निश्चय पक्का बैठ जाता है। तब कहेंगे अज्ञान की रात गुजर गई। इसलिए ये गुजराती अक्षर है क्या बापूजी? पक्का बापूजी या आज पक्का और कल कच्चा बापूजी है? हाँ, ये गुजरात के लिए कहा जाता है। तो पतित पावन बाप जब आते हैं तो जरूर कहेंगे कि ये पतित भारत को पावन बनाने की सर्विस पर बाप उपस्थित होते हैं। हैं? कब कहेंगे? हैं? कब कहेंगे? जब पतित पावन बाप आते हैं तो वास्तव में कब आते हैं? 36 में आते हैं कि 76 में आते हैं कि और भी बाप बाद में आते हैं? हैं? 76 में आते हैं। वो तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया और उस समय सबने मनाया क्या? हैं? सबने तो नहीं मनाया। जो बोला है, जो देखे आंखों से, जो सुने कानों से, उसके अंदर से ये आवाज निकले क्या कि हमारा बाप आ गया। तो ऐसा अभी हो रहा है, अभी हो रहा है कि जो सुने, जो बाप से दो शब्द भी सुने तो कहे हाँ आ गया, या जो भी देखे दुनिया में वो देखने मात्र से ही कहे कि हाँ आ गया है। अरे बाप की प्रत्यक्षता का आधार क्या बताया? अव्यक्तवाणी में भी बताया है। कैसे प्रत्यक्ष होगा है? तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो ऐसी अव्यक्त स्टेज लगातार की अभी बनी है? हैं? नहीं बनी है। तो कब बनेगी? बाबा ने तो बोल दिया ऐसा जरूर कहेंगे। मना अभी की बात या भविष्य की बात? तो कब? बाप आवेंगे तो बाप भारत को पवित्र बनाने की सर्विस पर आएंगे। तो बाप के आने का समय क्या होता है? है 24 घंटे के समय में कौन सा समय होता है? रात्रि के 12 बजे, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। तो अभी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि कहें है? कब कहें? अभी कहें या कब कहें है? अरे बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही। जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें भी जो बेसिक नॉलेज वाले हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। ये बाप को पहचान लिया नहीं? और जो एडवांस ब्राह्मण हैं उनके लिए क्या कहेंगे? अज्ञान अंधकार में है या सोजरे में है?
क्यों है? इसलिए कि आज निश्चय बुद्धि या अभी अभी निश्चय बुद्धि और कल अखबारों में निकल जाए आसाराम बापू का कुछ, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि में क्या आने लगता है? हैं? हैं? कुछ आता है कि नहीं आता है? कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा आता जरूर। अच्छा चलो अभी नहीं आता है, फिर आगे चल करके माया विकराल रूप धारण करके फाइनल पेपर लेगी। उस समय की बात है, इस दुनिया में चारों ओर अज्ञान अंधकार छा जाएगा। अखबार वाले तो बात करते हैं तीन दुनिया, तो यहाँ ये तीन दुनियाओं की बात है बेहद में। बाहर की दुनिया, ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया और ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया, तीनों ही दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा जिसको अज्ञान अंधकार फैल न जाए। ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में बाप आते हैं। मेजॉरिटी ये पुरुषों की बात है। क्या? अज्ञान अंधकार की। और रुद्रमाला में तो सारे ही भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष ही है। दुख जास्ती पुरुषों ने उठाया था, तब है। अरे जब स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ तो भी जास्ती दुख किसने उठाया? पुरुषों ने। 1857 में गदर हुआ स्वतंत्रता के लिए तो भी जास्ती दुख किसने उठाया? पुरुषों ने। तो भी इससे क्या साबित हुआ है कि जब महाशिवरात्रि का टाइम असली आएगा तो उस समय भी जास्ती दुख उठाने वाले कौन होंगे? हैं? पुरुष ही होंगे। 63 जन्मों में भारत में राजाओं ने जो युद्ध किए, उन युद्धों में भी ज्यादा खून खराबा का खमाजा किसने उठाया? हैं? पुरुषों ने उठाया। तो अब तुम माताओं को दुख उठाना पड़ता है। कब? हैं? इस संगम युग में जब बाप आते हैं, क्योंकि सहन करना पड़ता है ना, तो तुम बैठ कर सकते हो कि उसने तो उनसे लिबरेट किया भारत को। किसने? गांधी ने तो किनसे लिबरेट किया? अंग्रेजों से लिबरेट किया भारत को। फिर बाप यहाँ एकदम इस पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए आते हैं। सुजानते हैं कि बरोबर बाप जब नई सृष्टि रचेंगे तो पहले पहले तो ब्रह्मा चाहिए है? पहले पहले ब्रह्मा है? बोलो, पहले पहले कौन है? पहले पहले ब्रह्मा या विष्णु या शंकर है? शंकर कैसे? बाबा ने तो कहा है मैं जिस तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ब्रह्मा चाहिए, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, जो आदि में भी होता है इसी सृष्टि पर।
मध्य में भी इसी सृष्टि पर होता है और संगम युग के अंत में जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो भी इसी सृष्टि पर मौजूद रहता है, उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा पहले जरूर चाहिए, बाकी दादा लेखराज ब्रह्मा को पहले कहें या बाद में कहें, है क्या प्रूफ है? अरे बाद का कोई प्रूफ है? मम्मा बाबा को भी ज्ञान देने वाले कोई थे? चलो वो तो दुनिया में जैसे एक से एक बढ़कर होशियार होते हैं कोई रहे होंगे। यहाँ तो ब्रह्मा की बात है, जो नाम पड़ता है ब्रह्मा और शिव बाबा के प्रवेशता के आधार पर ब्रह्मा नाम पड़ता है, तो वो बात बताओ। साक्षात्कार हुए? हाँ। उनका अर्थ उनके बुद्धि में नहीं आया? चलो नहीं आया। किसने समझाया? हैं? किसने समझाया? हाँ। वो हुआ ब्राह्मण। अरे जिसने, चलो ज्यादा बुद्धिमान होगा तो उसने समझा दिया। ये कैसे पता चले? हैं? विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी पड़ा। हाँ। पहले ओम मंडली नाम था, ओम का अर्थ ही होता है अमूमा, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन की रचना का काम चल रहा था। अकेले ब्रह्मा की बात नहीं, तो दादा लेखराज द्वारा सन 47 से मुरलियां चलना शुरू हुई। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे सन 47 से पहले, 10-15 पेज लिखवाते थे अमृत वेले, बाद में उसकी कापियां निकलती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अचानक सिंध हैदराबाद में जो कन्याएं माताएं बांधेली थी उनको स्वतंत्रता मिल गई, और वो कहां भाग खड़ी हुई? कराची में भाग खड़ी हुई, जहां बाबा मौजूद थे गुप्त रूप में, क्योंकि यज्ञ के आदि में ही जब झगड़ा शुरू हुआ था तो ब्रह्मा बाबा पहले ही खिसक गए। वो उस झगड़े में शरीक नहीं हुए, तो वो तो गुप्त रहे पड़े थे। फिर 47 में जब वो 300-400 ब्रह्मा कुमारियां वहां इकट्ठी हो गई कराची में, तो बाबा को अचानक जोश आया। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। और शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बन गया। तो दादा लेखराज ब्रह्मा बाद में आया या पहले आया? कहेंगे बाद में आया। वैसे भी बाप पूछते हैं, मुरली में पूछते हैं ना, ब्रह्मा का बाप कौन है, पूछ करके छोड़ देते हैं, तो जवाब आना चाहिए ना, ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? है? एक ने कहा रचयिता, एक ने कहा रचना। अरे अम्मा भी रचना होती है, तो ब्रह्मा है वेद की अम्मा, जगदम्बा कहो ब्रह्मा कहो बात एक ही है, तो किसकी रचना है? कोई बाप होगा ना, तो यज्ञ के आदि में जिससे उन्होंने प्रजापिता का टाइटल लिया
जो उनको बैठ करके पढ़ाता था, सकाश देता था, मम्मा बाबा दोनों उनसे बैठ पढ़ते थे, बड़ा मर्तबा था, ऐसे मुरली में बोला। आज वो भी है नहीं, मैंने कोई बात में संशय आ गया। क्यों संशय आ गया? जब इतने बड़े ज्ञानी थे, संशय का कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? क्योंकि उस समय इतना ज्ञान क्लियर नहीं हुआ था षष्ठी चक्र का, इसलिए फेल हो गए। तो जो आदमी सो अंत में भी प्रत्यक्ष होते हैं, तो ब्रह्मावंशी तो ब्राह्मण हो जाएंगे, ब्रह्मा मुख वंशावली उनको ही कहा जाता है ब्राह्मण, क्योंकि यज्ञ रचा जाता है। यज्ञ माने क्या है? यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम दैवी वंशावली बनते हैं, अर्थात फिर विष्णु की वंशावली बनते हैं। ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में धारण कर लेना चाहिए बच्चों को। तो बरोबर इस समय हम बाबा के साथ मददगार हैं, क्योंकि श्रीमत पर कौन चलेंगे हैं? बाबा के मददगार हैं तो किस बात में मददगार हैं? अरे श्रीमत को पहचानेंगे, श्री कहा ही जाता है श्रेष्ठ को, और शिव बाबा का टाइटल कोई सिंगल श्री तो है नहीं, सिंगल श्री देवताओं के आगे लगाया जाता है, और डबल श्री शिव बाबा का टाइटल है। तो डबल का मतलब क्या हुआ? श्री श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो उनकी मत पर चलने से तुम सहयोगी बनते हो, मददगार बनते हो। और ऐसे मददगार कौन बनेंगे? कौन श्रीमत पर चलेंगे? कोई एक दो को चलने का नहीं है ना, हजारों लाखों को चलना है। क्या काहे पर चलना है? हैं? श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत पर पहचान के चलेंगे या बिना पहचाने चलेंगे? पहचान के चलेंगे। सन्मुख हो करके श्रीमत लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, कितनी संख्या होगी? 4.5 लाख। अरे 4.5 लाख श्रीमत पर चलेंगे हैं? तो राज्य होता है, राजघराना होता है, तो राजघराने में उस राज्य में कौन कौन मददगार बनते हैं राजा के हैं? जो भी परिवार के भांति होते हैं, राज परिवार के सदस्य होते हैं, वो तो सहयोगी बनते ही हैं, लेकिन प्रजा भी सहयोगी बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो जो प्रजा के भांति है उनकी संख्या कितनी है? हैं?
जो श्रीमत पर चलने वाले होते हैं, श्रीमत को पहचानने वाले होते हैं, क्योंकि जो पहले जन्म की प्रजा है, पहली डायनेस्टी की जो प्रजा है, उसकी कोई तो खसूसियत होगी। क्या खासियत होती है? हैं? वो यथा राजा तथा प्रजा सब ज्ञानी तु आत्माएं होते हैं। और वंशावलियों में ऐसे नहीं होते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा सब ज्ञानी तु आत्मा हो। तो देखो, लाखों चाहिए, सेना चाहिए, बापू की भी सेना थी, बड़ी भारी सेना थी। फिर उनमें जरूर जानते हो कि कोई अच्छे नामी ग्रामी थे, कोई कैसे थे, कोई कैसे थे, ये बहुत अच्छा है कि अब बरोबर वो बापूजी ने वो काम किया और ये बापूजी हमको रावण से छुड़ाते हैं। कौन से बापूजी हैं? उस समय जो सुनने वाले बैठे थे सामने, जिनके सामने ये मुरली चल रही थी, उन्होंने कौन से बापूजी को समझा जो रावण को छुड़ाते हैं, रावण से छुड़ाते हैं? ब्रह्मा बाबा को समझ लिया। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो 68 में खुद ही प्रभाव में आ गए। किसके प्रभाव में है? तो कोई क्रिश्चियन धर्म के माया भी निकले, उनके प्रभाव में आ गए। हार्ट फेल हो गया। और ये बापूजी तो हमको सारी दुनिया से, बंधनों से छुड़ाते हैं और जय जयकार कराते हैं। बापूजी ने जो कुछ भी फिरंगियों से छुड़ाया, तो और यहां यवन दूसरे फिरंगी निकल गए। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ है? अरे पाकिस्तान निकला ना मुसलमानों का, वो हावी होने लगे भारत के ऊपर। फिरंगी कहा जाता है फॉरिनर्स को, तो ये मुसलमान भी तो फॉरिनर्स है ना, ये गजनी से आए हुए हैं। असल में जब गजनवी आया था, उससे पहले कोई यहाँ मुसलमान थोड़े ही थे। उन्होंने आकर के लड़ाई छेड़ी, तो वो भी तो फिरंगी माना फॉरिनर्स ठहरे। वो क्रिश्चियंस, वो मुस्लिम, इन्होंने आकर के लड़ाई छेड़ी। गजनवी जब से आया, उन्होंने आकर के लड़ाई छेड़ी, तो वो भी तो फिरंगी माना फॉरिनर्स। वो क्रिश्चियन, वो मुस्लिम, अभी उनको तो भगाए दिया। किनको है? उन फॉरिनर्स फिरंगियों को भगाए दिया। फिर कौन रह गए हैं? मुसलमान और हिंदू रह गए। पहले सारा पाकिस्तान भारत में ही था या पहले से ही पाकिस्तान था? भारत ही।
तो देखो इनके कड़े दुश्मन सो तो वो है ना, वो ऐसे नहीं आकर कहते थे कि जो क्रिश्चियन नहीं बनेंगे उनको तलवार से मार देंगे। कौन कौन नहीं कहते थे, क्रिश्चियन से ऐसे नहीं कहते थे, अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो तुमको तलवार के घाट उतार देंगे। और ये क्या कहते हैं मुसलमान हैं, अगर मुसलमान नहीं बनेंगे तो तलवार के घाट उतार देंगे, उनको तलवार से मारेंगे। तो वो मुसलमान या ये वन तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। क्या कहा, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन दुश्मन है, है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियंस बाद में आए या पहले आए? बाद में आए। और मुसलमान ब्राह्मणों की दुनिया में पहले आए। क्रिश्चियंस का हेड कौन और मुसलमानों का हेड कौन, पता चला है? उमर का दादी फोटो खींचो कैसे, याद की है कि 5-5 मिनट के बाद में 5 बजे से है 24 घंटे में 5 बार नमाज का फाउंडेशन डाला है ब्रह्मा बाबा ने। जब जी रहे थे ब्रह्मा बाबा तो मम्मा के शरीर छोड़ने पर उनका दाह संस्कार किया, और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो भी गद्दी पर बैठा, मम्मा की गद्दी पर कहो बाबा की गद्दी पर कहो, उसने बाबा को आग लगाई शरीर को और कहां दफनाया है, आंगन में ही, जहां क्या बना हुआ है, हैं? जैसे मुसलमानों में कब्र बनाई जाती है तो मॉन्यूमेंट बनाई दिया। तो ये मुसलमान तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। 28/7/64 की वाणी का 3rd पेज। ये बच्चे अभी जानते हैं कि ये क्रिश्चियन से उनको छुड़ाते हैं, तो ये बाप तुम बच्चों को सांप की बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए श्रीमत दे रहे, तो तुम बच्चों को ये समझना चाहिए। जैसे वो कहते थे कि हम कांग्रेसी स्वराज स्थापन करते हैं, अभी राजा ही तो कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम्हारी भी बुद्धि में आता है कि हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। छोटे हो बड़े हो ऐसे ही कहते हैं ना, आगे कोई कांग्रेस राज थोड़े ही था, नहीं आगे तो गवर्नमेंट का राज्य था। किसका राज्य था, ब्राह्मणों की दुनिया में। आगे आगे माने कब, जब ब्रह्मा बाबा मम्मा जी भी थे तो किसका राज्य था, है ईश्वरी गवर्नमेंट का राज्य कहेंगे या आसुरी गवर्नमेंट का राज्य कहेंगे, ईश्वरीय गवर्नमेंट का राज्य था। किंग एंड क्वीन वहां की थी, किसको कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में किंग और क्वीन, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। जिसने फिर यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर जीत पहनी थी,
तो उस समय लड़ाई तो की थी ना बच्चों ने, क्या कहा है? नहीं की थी क्रिश्चियन से लड़ाई? तो अभी तुम अपने तन मन धन से भारत को इस माया से छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हो श्रीमत पर, क्योंकि तुम श्रीमत पर ही तो श्रेष्ठ बनेंगे ना। तो हरेक को कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है, क्योंकि हरेक का कर्म और हरेक का कर्म बंधन अपना अपना है, निराला निराला कर्म बंधन है। तो अभी कर्मातीत अवस्था को पहनने के लिए, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए अंत तक तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। ओम शांति।